गूगल अपने नए नए गूगल डूडल से सभी को हमेशा ही सरप्राइज करता रहा है। आज गूगल ने अमेरिकी भूविज्ञानी और समुद्र विज्ञान मानचित्रकार मैरी थार्प पर अपना नया गूगल डूडल पेश किया है। आपको बता दें, मैरी ने महाद्वीप पे बहाव के सिद्धांतों को साबित करने में मदद की और 21 नवंबर 1958 को कांग्रेस के पुस्तकालय ने उन्हें 20वीं शताब्दी के महानतम मानचित्रकारों में से एक नामित कर दिया था। इसी वजह से आज 21 नवंबर के दिन मैरी थार्प पर गूगल डूडल आया है। 1948 में वह न्यूयॉर्क शहर चली गई और लेमन जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाली पहली महिला बनी, जहां उनकी मुलाकात जियोलॉजिस्ट ब्रूस हेजन से हुई, जिसके बाद सन 1957 में थार्प और हेजन ने उत्तरी अटलांटिक में समुद्र तल का पहला नक्शा प्रकाशित किया। 1995 में थार्प ने अपना पूरा मैप कलेक्शन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को दान कर दिया।